Subscribe the Akshay Mishra Chemistry and hit the bell icon for never miss another updates of chemistry. Hi student, I am discussing about keywords of chapter 13, class 6, light, shadow and reflection. So first keywords given hai luminous. Iski definition kya hogi? The object which have their own light is called luminous. मतलब ऐसा object जिसके पास own light होती है उसको हम क्या बोलेंगे? Luminous. तो इसके definition write करते हैं. The object which have their own light is called luminous. Example, sun. The object which have their own light is called luminous. Example क्या होगा? Sun. मतलब ऐसा object जिसके पास own light हो उसको हम क्या बोलेंगे? Luminous. नेक्स्ट कीवर्ड गिवेन है मिरर. तो मिरर की डिफिनीशन होगी एनी पॉलिश्ड सरफेस विच एनी पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट The light is called mirror. Mirror का क्या means है कि कोई polished surface होती है जिसपे जो light है वो क्या करती है? Reflect करती है. उसको हम क्या बोलेंगे? Mirror. Third keyword given है opaque. तो इसकी definition होगी the object which does not allow to pass light. The object does not allow to pass light through them. Is called opaque object. Example, board, book, etc. The object which does not allow to pass light through them is called opaque object. मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास नहीं होने देता है उसको हम क्या बोलेंगे? अपेक ऑब्जेक्ट. फोर्थ कीवर्ड गिवन है पिन होल कैमरा. तो इसकी डिफिनीशन होगी इट इज अ सिंपल कैमरा विदाउट लेंस When the pinhole of the camera is turned toward bright object. A real and inverted image of the object is formed on the screen.
तो पिन होल कैमरा की डिफिनेशन क्या होगी? इट इज अ सिंपल कैमरा विदाउट लेंस, मतलब ऐसा कैमरा जिसमें क्या होता है, लेंस नहीं होता। व्हेन द पिन होल ऑफ द कैमरा इज टर्न्ड टुवर्ड्स अ ब्राइट ऑब्जेक्ट, अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जो उसमें इमेज बनती है वो कैसी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड, ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पे कैसा दिखेगी उसकी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। गिवन है रिफ्लेक्शन, तो इसकी डिफिनेशन होगी लाइट चेंज्ड इट्स डायरेक्शन, लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ ऑप्टिक ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ कि लाइट जो है अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है जब वो किससे स्ट्राइक करती है, किसी सरफेस से। एग्जांपल से समझते हैं, ये एक पॉलिश सरफेस है, यहां से लाइट पास हुई तो इस पे स्ट्राइक की और उसने अपने डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कीवर्ड गिवन है शैडो, तो इसकी डिफिनेशन होगी द डार्क एरिया बिहाइंड द ऑप्टिक ऑब्जेक्ट resembling the shape of the object is called shadow. तो shadow की definition क्या होगी? The dark area behind the opaque object resembling the shape of the object is called shadow. Seven number keywords given है translucent. तो translucent का क्या मतलब होता है? Seen but not clearly. तो इसकी definition होगी the object is which allow to pass light through them partially. The object which allow to pass light through them partially is called translucent. तो ट्रांसलूसेंट का क्या मतलब हुआ कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट तो पास होती है बट वो क्लियर नहीं दिखता, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं सीन बट नॉट क्लियरली, मतलब पार्शियली लाइट पास होती है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, आईली पेपर। लास्ट कीवर्ड्स गिवन है ट्रांसपेरेंट, तो इसकी डिफिनेशन होगी द ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड टू पास लाइट थ्रू देम द ऑब्जेक्ट which allows to pass light through them are called transparent object.
ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करने देता है, पास होने देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वाटर, ग्लास, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल है। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या गिवेन है, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवेन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड अ पिक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट गिवेन है उसको हमको क्या करना है, रिसेंबल करके यहाँ पे राइट करना है जो मीनिंगफुल हो। तो यहाँ से राइट करते हैं, देखिए यहाँ पे ओ पी ए क्यू राइट है, तो इसका मतलब क्या होगा, अपिक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे राइट करेंगे ओ पी ए क्यू, यू ई, तो ये हो गया अपिक, और ओ का क्या, ओ बी जे ई सी टी, तो ऑब्जेक्ट हो गया ओ बी जे ई सी और टी, तो ये हो गया सेकंड वर्ड ऑब्जेक्ट। फिर यहां पे यम ए के ई, तो क्या हो जाएगा, मेक, यम ए के ई, मेक हो गया। यस एच ए डी, और यहां पे ओ डब्ल्यू एस, तो ये मीनिंगफुल बन गया। देखिए अपेक, यहां तक अपेक, सेकंड क्या ऑब्जेक्ट्स, यस तक, फिर क्या मेक, और लास्ट क्या है, सैडोज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। तो इसका आंसर होगा यस वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो if held in one way and rectangular shadow if held in another way। और इसका डायग्राम होगा, तो इसकी शैडो कैसे हो जाएगा, ये शैडो हो गई और इसके रेक्टेंगुलर, सनरेज शैडो, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे सर्कुलर हो गया और यहां पे कैसा है, रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर फोर गिवेन है, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप ए मिरर इन फ्रंट ऑफ यू। आप एक कंप्लीटली डार्क रूम में हैं और आपके सामने क्या है, एक मिरर है। विल यू सी ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ, तो अपने बॉडी का आप रिफ्लेक्शन वहां पे देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। नो, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम we can not see
we cannot see, it left inverted image. Because no source of light, because there is no source of light. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? No, in a completely dark room we cannot see right left inverted image in the mirror because there is no source of light. क्योंकि completely dark room में कोई source of light नहीं है, तो वहां पे कोई भी image show नहीं होगी.